योर लाइफ नाउ। अस्सलाम वालेकुम, अभी हम हसन भाई और क्या नाम है यार, शाकिर राजा और इनाम भाई जो इस वक्त वीडियो बना रहे हैं उनके साथ लॉन्च में आए हुए हैं और चरना जा रहे हैं हम। ये चरना और बहुत शरीर ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, ठीक है। और हमारा प्रोग्राम है समंदर के अंदर जाने का। ये जुम्मे की नमाज के बाद रश लगा होता है ना, तो लोग मिलने के लिए आते हैं, तो मैं भागने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, जाना होता है मुझे कहीं। तो इस फ्राइडे को जब बयान से मैं फारिग होके घर के लिए निकल रहा था, तो जल्दी जल्दी मुसाफा करके घर की तरफ जा रहा था, तो हसन भाई मिले, शाकिर भाई। उन्होंने कहा एक चलते चलते सलाम किया, मैंने कहा वालेकुम सलाम, और मैं पस्ती गली से निकल के भागने लगा। तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आपको स्विमिंग का शौक है, बस ये कहा और मैं रुक गया वहीं पे। मैंने कहा क्यों, आप सिखाते हैं क्या? इन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम और खैरियत, चाय वाय पियेंगे बैठेंगे। तो मैं ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूँ जिनके पास कोई हुनर है, कोई फन है, तो बस मैंने इनको पकड़ लिया। मैंने कहा यार आप हमें स्विमिंग सिखाओ यार। उन्होंने कहा आपको आती है? मैंने कहा वो है इधर से छलांग मारी, उधर से कुछ तमीज से ज़रा कुछ स्विमिंग, जिसको स्विमिंग कहते हैं। सिलसिले में हम चरना जा रहे हैं और इंशाल्लाह समंदर के अंदर जाएंगे, दुआ करें वापस आ जाएं, ठीक है। तो ये हमारे बड़े माशाल्लाह मुखलिस साथी हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है और अल्लाह ताला इनको में बरकत दे। इनको सिर्फ उलमा से मोहब्बत दी की वजह से, वरना किसी आलिम से, जिसको ये आलिम समझते हों उससे मोहब्बत ज़ाहिर है तो दुनिया भी लालच हो नहीं सकती। माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। ये यूथ के लिए आपका क्या पैगाम है कि मैं इनको ये बता रहा था थोड़ी देर पहले कि मैं इस किस्म की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड इसलिए करवाता हूँ और नेट पर भी डालने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो उनको अगर हम कोई जायज़ तफरी नहीं बताएंगे तो फिर नाजायज़ चीज़ों की तरफ जाती है। आप नेट पर बैठे हुए बेहूदा चीज़ें देख रहे हैं, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है। आप अल्लाह ताला ने ये दुनिया पैदा की है हमारे लिए, यहाँ जायज़ तफरी मकाम बहुत हैं। आप आएँ, स्विमिंग सीखें, हॉर्स राइडिंग सीखें, आप मछली का शिकार सीखें और करें, आप फिशिंग करें। तो इतनी चीज़ें अल्लाह ने, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क, अभी कहते हैं कि एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान नेशनल ब्यूटी में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। वो देखें, दुनिया घूमें आप, अल्लाह ने हमारे लिए सब चीज़ें पैदा की हैं। जायज़ चीज़ें अल्लाह ने इतनी रखी हैं कि हमें क्या ज़रूरत है कि गलत चीज़ों की तरफ हम जाएँ। और जायज़ तफरीहात में शादियां भी करें आप। हाँ बिल्कुल, सब बिस्मिल्लाह, क्या है कश्ती में भी वो भी जायज़ है, वो का ख्याल करके अदल करते हुए। और बेगमात को यहाँ पे लेके आए साथ में, बीवी बच्चों को यहाँ लाए। मैं अभी अकेला आया हूँ, अगला ट्रिप इंशाल्लाह मेरा अपनी फैमिली के साथ होगा यहाँ। तो ये जायज़ चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की है। इन चीज़ों में आप अपने टाइम को गुजारेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी होगी और बुरी चीज़ों से आप बचे रहेंगे। इसमें कोई ऐसा इंतज़ाम करते हैं हम के फैमिलीज के लिए लेडीज़ इंस्ट्रक्टर का इंतज़ाम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मैंने कहा है कि भाई जो पर्देदार खवातीन हैं, हाँ, वो भी दुनिया देखना उनका भी हक है। बिल्कुल, तो वो अगर समंदर की गहराई में जाके मछलियों को देखना चाहती हैं तो कोई ऐसा इंतज़ाम भी होना चाहिए कि लेडीज खवातीन हो सिखाने वाली, इंस्ट्रक्टर खवातीन हो, ताकि वो हमारे पास हैं, हम उनको ला सकते हैं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल है। तो पर्देदार खवातीन तो बिल्कुल घर के अंदर बंद कर दिया उनको, तो उनका भी हक है दुनिया घूमने का, दुनिया देखने का, पर्दे की पाबंदी के साथ। ये कह रहे हैं हमारे पास हैं लेडीज इंस्ट्रक्टर भी, इंस्ट्रक्टर भी हैं जो इंशाल्लाह खवातीन को सिखाती हैं। फिर भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ लोग कर रहे हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह समंदर पे जाके भी वीडियो बनाएंगे। सही है, चलें अब पानी में भी चरना आइलैंड पे जाके दोबारा से लाइव करेंगे इंशाल्लाह।